हाय बडीस, वेलकम बैक। माय नेम इज शब्बीर। आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल शब्बीर चारो पे। गाइस, वर्डप्रेस कोर्स की सीरीज हमारी जारी है और आज के इस वीडियो के टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे डेमो कंटेंट होता है उसको कैसे हमने इंस्टॉल करना है, वो कैसे इंपोर्ट करना है। ठीक है, बेसिकली इंपोर्ट करना होता है लफ्ज़, तो वो कैसे इंपोर्ट करना है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे जो कि हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाकर देखेंगे। तो गाइस, वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली किस तरह की वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्ट योर एंड माई टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जाते हैं साइट पे, एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करते हैं शब्बीर चारो के ऊपर, तो क्या देखते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमारा थीम था तो वो अपलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो ये देखें, थीम अब हो चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ कंटेंट इस तरह का आ रहा है कि जो हमारा उस तरह जैसे साइट के ऊपर आ रहा था उस तरह नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, हम इसका डेमो इंस्टॉल करेंगे। डेमो इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे और यहाँ पे इसको भी रेडेक्स को भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो विद इन फ्यू सेकंड वो इंस्टॉल हो जाता है। तो ये एक प्लगइन है, इसको इंस्टॉल कर लेना आपने। अब क्या करेंगे, ये सारे प्लगइन्स हमारे पास आ चुके हुए हैं, बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास ये देखिए, ये एक्टिवेट हो चुका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर आपने ब्रश का साइन ढूंढ लेना जो कि वो वाला, यही वो जो थीम वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास इम्पोर्ट डेमो डाटा लिखा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो जो हमारा डाटा है जो हमने इम्पोर्ट करना है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया, ओवरव्यू में बताया कि डाटा को इम्पोर्ट करने का जो तरीका है वो हम देखेंगे, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये वू कॉमर्स का एक एरर आ रहा है, इसको फ़िलहाल ख़त्म कर देंगे, इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, इम्पोर्ट डाटा करेंगे। इम्पोर्ट डाटा के ऊपर आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, इसके ऊपर जाके, ठीक है, यहाँ पर जाके मैन्युअली भी आप क्लिक कर सकते हैं और फाइलें लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर से। लेकिन हमने फाइलें क्या करनी है, इसको वापस जाएंगे, हमने डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेना अपनी फाइल को। ठीक है, तो सिंपल इसके क्या ऊपर इंपोर्ट डेमो डाटा के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका फॉर्म भी हमें चाहिए, इसका SEO भी कल को हमने करना है और इसका मून इनसाइड एनालिटिक्स भी चाहिए। तो ये तीनों आपने कर लेने हैं, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसके ऊपर कंटिन्यू कर दूंगा। इनको तीनों को चेक करके आपने कंटिन्यू कर देना, कुछ ही मिनट्स के अंदर ये इंपोर्ट हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डेमो कंटेंट है वो अपडेट होना शुरू हो चुका हुआ है, और इसके अपडेट होने के बाद बिल्कुल इसी तरह का विजुअल्स नज़र आएंगे, बिल्कुल इसी तरह की वेबसाइट बनी बनाई नज़र आएगी। तो जी हाँ गाइस, हमारा कंटेंट इंपोर्ट हो चुका है। अब इसको हम थीम को चेक करेंगे कि ये हमारे पास आया कि नहीं आया। तो सिंपली क्या करेंगे, विजिट साइट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखते हैं जाके कि जी हमारा थीम अपलोड हो चुका है कि नहीं हो चुका, इंस्टॉल हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर देखेंगे तो इसकी UI बहुत ही मज़े की है, जो कि इसको हम कस्टम करेंगे, इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे, इसको एडिट करेंगे अगली वीडियो के अंदर, और इसको बनाना देखेंगे किस तरह बनाना है। ठीक है, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, होपफुली आपको वीडियो की समझ आई होगी, आपको समझ लगी होगी कैसे हमने थीम को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद कैसे इंस्टॉल करना है, फिर प्लगइन्स का भी सब बता दिया मैंने, फिर आपको डेमो कैसे इंपोर्ट करना है एक प्लग अपने एक थीम का, तो वो भी आपको समझ आ चुकी होगी। तो होपफुली आपको वीडियो की समझ आई होगी। तो अगर नहीं समझ आई, किसी को कोई सवाल करना है, कोई किसी किस्म का मसला है, तो मुझे वो सवाल कर सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं जनरली उनको जवाब देता हूँ जैसे टाइम मिलता है मुझे। और अगर ज़्यादा जवाब जल्दी चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके आप मुझे उसका सवाल कर सकते हैं जो भी आपका हो। और आप मुझसे मैंने जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, और इसका आपको पॉपअप भी मिल रहा होगा, तो सारे लिंक्स हैं उसके अंदर, आप मुझसे जब भी चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे मुझे टाइम मिले मैं उसका जवाब देता हूँ। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।